आज गुजरात में नाइन्थ क्लास में जो दलित बच्चे एनरोल होते हैं उनकी तादाद 41,000, ये 2019 और 20 का डेटा है। बच्चियों की तादाद 31,943। अब आप देखते जाइए, जो भाजपा कहती है कि सबका साथ सबका विकास, हम सब समाज का काम करते हैं, कितना झूठा है। यही बच्चियां दलित की और बेटे जब 10th क्लास में आते हैं तो बच्चे 41,000 से 33,000 पर आ जाते हैं, 33,000 पर आ जाते हैं। हमारी बेटियां दलित बेटियां जो 9th क्लास में 31,000 है, वो 10th क्लास में जब आती है तो उनका नंबर 27,000 हो जाता है। कितनी कमी हो गई, 4,000 की कमी बच्चियों में हो गई। और बच्चों में 8,000 बच्चे ड्रॉप आउट हो जाते हैं दलितों के। ये दलित समाज को सोचना पड़ेगा। फिर यही 33,000 बच्चे और 27,000 दलित बेटियां जब 11th क्लास में आती हैं तो 33 से सिर्फ 20,000 आती हैं, 33 से सिर्फ 20,000 आती हैं। और वही बच्चियां 27,000 से खाली 19,000 पर आती। आप अंदाजा लगाइए, आज गिरते जा रहा है नंबर 8,000 तक। और जब वो दलित बच्चे और बच्चियां 12th क्लास में आती हैं तो 11th में 20,000 बच्चों का वो आ जाता है 19,000 पर, और बेटियों का 19,000 से 17,000 आ जाता है। अब ये बात पूछो आप कांग्रेस का जो MLA, वो बोलेगा ये कहां से लाया हो इसी नंबर, ये इसको पता ही नहीं है। खाली खौफ की बुनियाद पर वोट दो, डर की बुनियाद पर वोट दो। ये डेटा जो है, ये डेटा गुजरात सरकार का है। तो ये बात अगर कोई गुजरात की विधानसभा में जाकर करेगा दलित समाज के लिए, उनके बच्चे और बच्चियों को पढ़ाने के लिए, तो उसका नाम साबिर काबुली वाला होगा इंशाअल्लाह ताला।